सड़क पे तो आप एज ए विरोधी दल के नेता के रूप में आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सदन में ये कमी हम लोगों को भी खलती है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको मान्यता नहीं मिली, और इस कारण सदन में जब भी कुछ गंभीर इशू पे मौका होता है तो आप चर्चा में शामिल नहीं हो पाते हैं किसी न किसी तकनीकी का क्या कचोटता है, लगता है कि एक कमी वहाँ सदन के अंदर रह रही है हम लोगों से। नहीं, बहुत कचोटता है भाई, मैं उसके बता नहीं सकता, और इसलिए मैंने बताया कि आपको कि जानबूझ करके विधानसभा अध्यक्ष ने मामला को लटका करके रखा 10th शेड्यूल के बहाने, क्योंकि 10th शेड्यूल का मामला ये कहीं बनता ही नहीं है। जब पार्टी ऑलरेडी विलय कर चुका और क्या कहते हैं चुनाव आयोग ने उसकी उस पर मोहर भी लगा दी, और जब प्रारंभ में राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें बीजेपी के विधायक के नाते सदन से बाहर हमने वोट भी डाला, लेकिन विधानसभा में वो जानबूझ करके जिसको बोलते हैं ना कि लटका करके रखो उसका सुनवाई करते रहो चूँकि मामला अभी भी चल रहा है, तो ये हमें कचोटता है। और इसलिए मैंने कहा कि इस बात को मैं जानता था ये व्यक्ति ये करेंगे, क्योंकि मैं क्या कहते हैं शिवू सोरेन उसके परिवार को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये लोग किस स्तर की ये लोग पॉलिटिक्स करते हैं, और इसलिए केंद्र भी हम उस समय समझा रहे थे अपने पार्टी के लीडर को कि भाई हमें आप अनुमति दे दीजिए हम रिजाइन करके चले आएंगे, लेकिन वो लोग जज्बाती थे, कानून कायदे को मानने वाले लोग थे, वो लोगों ने इस बात को समझा नहीं। आप सब ने देखा होगा कई एक अवसर ऐसा होता है कि हाथ हम खड़े भी करते हैं वो बोलने भी नहीं देते। अब हम विधानसभा में कोई ऐसे हम नहीं हैं कि बेल में हम चले जाएं और ऐसे ही हम चिल्लावे, तो ये काम तो हम कर नहीं सकते। और मैं तो लोगों से कहता हूँ कि भाई आपने देखा कोई एक निर्दलीय व्यक्ति भी सारे लोग मिल करके नेता चुनते हैं वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों ने सर्वसम्मत से चुन करके विधायक दल का नेता बनाए, तो ये उन्होंने रोक रखा है। बताइए क्या मतलब है, थोड़े देर के लिए हम कहते हैं 10th शेड्यूल अलग मामला, वो सुनवाई करते रहते, आखिर इसी राज्य में एक निर्दलीय मुख्यमंत्री बना कि नहीं बना? जब सब दल के लीडर ने अपना लीडर उनको चुना तो गवर्नर उसको रोक नहीं सकते हैं कि भाई सब ने उनको लीडर बनाया तो फिर वो मुख्यमंत्री बने। देश में भी कई एक प्रधानमंत्री बने जिनके पास कोई बहुत बड़ी संख्या में लोकसभा में या क्या कहते हैं राज्यसभा में उनके कोई सदस्य संख्या नहीं थी, लेकिन सबों ने जब अपोजिशन मिल करके सबने कहा कि नहीं हमारे लीडर यही होंगे, तो राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की ओर भी कई लोगों को दिलाए हुए हैं, और राज्यपाल भी कई एक इसी राज्य में हमने कहा कि निर्दलीय को भी मुख्यमंत्री बनाया है, तो ये कॉमन सी बातें हैं, लेकिन जानबूझ करके जिसको कहते हैं ना परेशान करना सदन में बोलने नहीं देना, तो भाई चलो सदन में नहीं बोलने देते हैं सड़क पर बात करते हैं, जनता के बीच रोज बोलते हैं, क्या दिक्कत है उसमें से? सदन में आप सवाल नहीं पूछ पाते, बिना विपक्ष के नेता का सदन चल रहा है, यह संसदीय परंपरा के लिए कितना सर सही लगता है आपको? अब सही तो नहीं है, लेकिन वो तो उनको ने सही करना है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो पर्याप्त विधायक है, 26 की संख्या है, और सब ने लीक करके दल ने विधानसभा अध्यक्ष को दिया कि दल सदन में हमारे ये पार्टी के लीडर होंगे, उसके बाद तो पार्टी की ओर से कोई कमी नहीं है। जैसे हमने कहा ना कि भाई नॉर्मल भी आप सोच सकते हो ना कि अगर सदन के कोई निर्दलीय भी नेता हो सकते हैं और मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और हमारी पार्टी तो विलय किया लोग क्या कहते हैं चुनाव आयोग ने उसको मान्यता भी दे दी, बाहर में बीजेपी के सदस्य के नाते हम वोट भी कर चुके हैं, लेकिन सदन में वो मानने को तैयार नहीं है, तो ये तो उनका मामला है। स्पीकर ने दल बदल मामले में आपके दल बदल मामले में सुनवाई पूरी कर ली है, फैसला सुरक्षित रखा है, क्या होना है सर? अब फैसला क्या करेंगे वो तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने प्रोसीड्योर का भी कोई पालन नहीं किया। जैसे सामान्यतया होता है कहीं भी अदालत में किसी के ऊपर केस होता है तो उनके अर्धे ही नहीं बल्कि गवाह भी पेश होते हैं, लेकिन कोई प्रोसीड्योर को फॉलो नहीं किया, इसलिए हम लोग कोर्ट भी गए हुए हैं,
और हाई कोर्ट में अभी सुनवाई चल रहा है, कल भी उसका तारीख है। अब देखिए कल तारीख में क्या होता है, हाई कोर्ट में क्या हाई कोर्ट निर्देश देते हैं। सवाल था अभी आपने बताया भी, हम लोग से भी पहले चर्चा में आप बताते रहे कि हम इस्तीफा दे करके फिर से, चूँकि कोडरमा में भी आप जब पार्टी छोड़े थे तो इस्तीफा दिया, फिर चुनाव लड़े संसदीय, तो आज इतना किचकिच हो रहा है, फैसला फिर आप कोर्ट जा रहे हैं स्पीकर साहब के साथ, तो करना का वो जो फैसला आपने लिया था कि हम पार्टी के पास कि हम इस्तीफा दे देते हैं, चुनाव जीत के फिर आते हैं, फिर आप पीछे, तो क्या वो ज़्यादा माकूल रहता, ज़्यादा उस समय के लिए क्या लगता है आपको? देखिए आप सवाल वो नहीं है ना, वो तो हमको अकेले डिसीजन लिए थे ना, अब यहाँ तो पार्टी मामला है, तो इसलिए उसकी और इस समय की हम दोनों अलग अलग है। अभी हम कोई भी निर्णय लेंगे तो पार्टी की सहमति से ही हम निर्णय ले सकते हैं, हम अपने मन से कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक पार्टी से हम जुड़े हुए हैं, बांधे हुए हैं उसके कायदे कानून से, तो इसलिए हम अकेले इसमें कोई डिसीजन नहीं ले सकते। इसलिए हमने इतने ही बताया कि हम उस समय हम जान रहे थे ये सारे लोग परेशान करेंगे, तो इसलिए मैंने इसका थोड़ा सा उल्लेख किया, और उसके मेरा कोई ये नहीं है, वैसे अच्छा रहता खराब रहता अब इसका कोई मतलब नहीं इसका विश्लेषण करने से। अब मेरा सवाल है कि अभी मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, आपका तो ट्विटर पे हमेशा आता है, तो ये जो अभी 3 साल हो गया जो कामकाज किए हैं, तो आप उनके कामकाज को किस रूप में लेते हैं, मतलब अच्छा कर रहे हैं खराब कर रहे हैं? देखिए मैं इसका एक शब्द में अगर कहें, उन्होंने 3 साल अब होने को चला, काम तो किया नहीं है, लेकिन 3 साल में इन्होंने कमाया खूब, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं सच में बोल रहा हूँ, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, प्रामाणिकता से बोल रहा हूँ। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए तो सड़कों की ये हालत खराब है, कहीं कुछ नहीं बन रहा है, PWD सड़कें आपको दिखाई पड़ता है कि ठीक ठाक है सड़क, इन ग्रामीण सड़कों क्षेत्रों में हालत बहुत खराब है। बिजली की स्थिति भी वही स्थिति है, मतलब जो 19 में जो स्थिति थी उससे और बेहतर होता ना, उत्तरोत्तर जब हर कुछ बेहतर हो रहा है ठीक हो रहा है, तो यहाँ उल्टा हुआ, डिटोरिएशन हुआ। कानून व्यवस्था में भी वही हालत है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई ये सरकार ने 3 वर्षों में काम तो किया नहीं लेकिन कमाया खूब, अब वो साफ दिखता है, उसको बताने की और उसको डिटेल बता दें कि आप समझ गए सब ऐसा, क्योंकि कमाया खूब है इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, रोज हम सब लोग अखबार में भी पढ़ते हैं, रोज देखते हैं, मैंने ऐसी सरकार तो हम लोगों ने कभी मैंने कल्पना ही नहीं कर सकते कि भाई ऐसी भी कोई सरकार होती है। काम करके कुछ लोग कमाते हैं लेकिन बिना काम के ये कमाए हैं, इससे बढ़िया और दुर्भाग्य क्या होगा इस प्रदेश की। नमस्ते सर, मेरा नाम पूजा है, मेरा सवाल सर आपसे यही है कि राज्य सरकार का कहना है कि कोरोना काल के विषम परिस्थितियों में बेहतर काम किए, नीतियों के मामले में भी सरकार काम करी, ऐसे में इनका मूल्यांकन आप कैसे करते हैं सर? देखिए अपने से तो बेहतर ही बोलेंगे काम किए, तो बताते ना कौन से काम बेहतर किए। आज भी अगर रिम्स में जाएंगे तो वहाँ क्या स्थिति है, एक एक मशीन जो है न ठीक से काम नहीं करता है, तो ये हालत, एक भी दुमका में हॉस्पिटल है अभी तक वो ठीक से संचालित नहीं हो पा रहा है, अब कौन सा इन्होंने काम किया। BJP की जब सरकार थी 3 नए मेडिकल कॉलेज बना करके गए थे, अभी भी है लेकिन वो और बेहतर होनी चाहिए, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, जस के तस वो पड़ा हुआ है। 3 साल बहुत समय होता है, आज अगर किसी का हाथ पैर भी टूटता है तो दुमका से सीधे लोग रांची चले आते हैं, रिम्स चले आते हैं, रिम्स में वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है, ये स्थिति है। तो इसलिए अगर आप काम कर रहे हैं तो हम तो कहते हैं कि भाई कुछ नहीं, जाकर के इन सारे हॉस्पिटल में जाकर के देख लीजिए, हम सदर अस्पताल की चर्चा ही नहीं कर रहे, सदर अस्पताल तो खाली रेफर करने वाला हॉस्पिटल बना हुआ है कुल मिलाकर के, सब जगहों की यही हालत है। एक भी सदर अस्पताल में हमने नहीं सुना है कि किसी का हाथ पैर टूटा है कि वहाँ उनका ऑपरेशन हुआ हो, तो आप कुछ तो बेहतर किया नहीं है, तो कौन से काम किया हुआ?
सर, हेमंत जी का आरोप है कि केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है और विकास कार्य भी रुकता है, तो सर ये कितना सही है? नहीं, हमने तो कई एक दफ़ा कहा है कि अगर आप पैसे के बारे में कहें तो पिछले सरकार, जब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और राज्य में भी सरकार थी, उस समय जितनी पैसा प्रत्येक साल राज्यों को मिला उससे कहीं अधिक पैसा झारखंड में हेमंत सोरेन बनने के बाद राज्य को मिला, लेकिन ये लोग खर्च ही नहीं कर पाते, काम ही नहीं कर पाते। अभी तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में क्या हाल कर रखा है इन्होंने, तो वो पैसा अब जब आप काम करेंगे, उसमें नियम क्या है, काम करते हैं यहाँ से उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजते हैं कि हमने इतना काम किया, उसके बाद फिर पैसा भेजते हैं वहाँ से। जब पहला इंस्टॉलमेंट आपने लिया, काम ही नहीं किया और उसका पूरा आपने भेजा नहीं, तो अगले कैसे मिलेगा? और हमने तो हेमंत सोरेन को बार बार कहा कि भाई आप हमको लिख करके दीजिए ना कि भाई ये योजना में हमको केंद्र पैसा नहीं दे रही है, तो हम दिल्ली से जाकर के आपके बदले हम काम कर देंगे, एक एक मंत्री से बैठ करके मंत्रालय में और पैसा हम भिजवा देंगे। लेकिन कभी वो बताते नहीं है, खाली मंच पर वो बोलते रहते हैं। कभी कभी तो क्या बोलते हैं, कोरोना के काल में हम लोग खुद वहाँ के केंद्र के मिनिस्टर से, सचिव लोगों से बात करते थे कि वहाँ पर ये अखबार में देखते थे इन लोगों का बयान कि भाई ये हुआ, और वहाँ से हम लोग रिपोर्ट अप टू डेट करते थे कि भाई इतना तो हम लोग दिए हुए हैं वैक्सीन, इतना ये दिए हुए हैं, इतना ये दिए हुए हैं। तब हम लोग यहाँ पूछते थे कि आप बताओ भैया कहाँ आपने खर्च किया, तो ये बताने को तैयारे नहीं होते हैं। तो ऐसे ही राजनीति करते हैं। सीएम हेमंत सोरेन का कहना है सर कि भाजपा लगातार उनके कोई भी काम होती है उस पर बेबुनियाद आरोप लगाती है और तथ्यहीन बातें करती है, इस पर सर और कोई कार्रवाई आगे नहीं करती? अगर भाजपा को करना हो तो कोई कार्रवाई भी करा सकती है, तो इस पर सर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो अगर कोई तथ्य नहीं हो तो फिर उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तथ्य होता है और उस पर अगर कोई चोट करता है, जैसे आप देखे होंगे ना, कोई जैसे कम सुनता है, अगर उसको कहे कि यार आदमी बहरा है, उसको देखेगा तो बड़ा गुस्सा आएगा। लेकिन जो आदमी अच्छे हैं, अगर उसको आप कहिएगा कि आँख वाले को कहेगा ये अंधे है, तो फिर वो नहीं सोचेगा कि चलो भैया ऐसे ही बोल दिया, आप ही को उल्टा कहेगा कि ये पागल है, कहे को इस पर ध्यान देना। कहने का मतलब है कि हेमंत सोरेन ने गड़बड़ किया हुआ है, तभी उनको इतना चिंता होती है कि भाई हमारी गड़बड़ी को ये लोग क्यों उजागर कर रहे हैं, कैसे ये लोग जानते हैं। और कार्रवाई जो आप बताएं, तो कार्रवाई तो एक प्रोसेस पर होती है। अगर मान लीजिए आज आपने किसी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए, कोई पदाधिकारी के ऊपर, तो आखिर एक प्रोसीड्योर तो मेंटेन करेगा ही नहीं, जांच करेगा ही नहीं उसकी हकीकत, उसको भी समय देगा, उसको भी पूछेगा कि भैया आपने इसको ऐसा ऐसा आपके ऊपर आरोप है, तो भी सवाल जवाब करेंगे। तो कार्रवाई तो प्रोसीड्योर पर होता है, कार्रवाई हो भी रहा है, आपने देखा होगा धीरे धीरे करके कितने लोग जेल चले गए। तो ऐसे ही होता है कि एक बार में थोड़े होता है, तो कार्रवाई धीरे 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 करके होते रहता है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।